2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने वाले जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी गद्य खंड का जो दूसरा पाठ है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी गद्य खंड का दूसरा पाठ जिसका नाम क्या है, ममता शीर्षक पाठ, और जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला गद्यांश जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और इस गद्यांश पर आधारित हैं यहां पर तीन प्रश्न, और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कैसे करना है, यानी आपको बोर्ड परीक्षा में गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस गद्यांश के माध्यम से बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने पहला पाठ जिसका नाम क्या है, पहले पाठ का मित्रता शीर्षक पाठ, और जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और मित्रता शीर्षक पाठ का जो पहला गद्यांश था उसका मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, यहां पर आप देखेंगे हम लोग ऐसे समय में यह गद्यांश था, और इस गद्यांश पर आधारित जो संदर्भ और रेखांकित अंश की व्याख्या तथा गद्यांश आधारित जो प्रश्न थे उनको सॉल्व कराया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें। और आपने ही कमेंट किया था, एक प्यारे बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जल्द से जल्द ममता शीर्षक पाठ से भी रिलेटेड गद्यांश प्रोवाइड करा दें, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ममता शीर्षक पाठ का पहला गद्यांश। और मैं वापस आपको मित्रता शीर्षक पाठ के जो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो क्रमशः प्रोवाइड कराऊंगा। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हिंदी काव्यखंड में जो पहला पाठ है जो कि है पद शीर्षक पाठ, और जो रचित है सूरदास जी के द्वारा, जिसे मैंने पूरा पढ़ा दिया है, 11 पद हैं और 11 पदों को मैंने पूरा पढ़ा दिया है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य बता दिया है एक एक पद का। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको सभी वीडियो देखने को मिलेंगे, जहां से आप वीडियो के माध्यम से अपनी नोट्स भी कंप्लीट कर पाओगे। और मेरे प्यारे बच्चों, रसखान जी के जितने भी सवैये हैं, रसखान जी के द्वारा जो रचित पाठ है सवैये शीर्षक पाठ, इस पाठ को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, और तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग, आप लोग ध्यान देंगे धनुष भंग तथा वन पथ पर, ये दोनों कंप्लीट कर दिए हैं पाठ मैंने, वन पथ पर और धनुष भंग, इनसे रिलेटेड वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। यानी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपका सूरदास जी के द्वारा रचित पद शीर्षक पाठ, कविवर रसखान जी के द्वारा रचित सवैये शीर्षक पाठ, और गोस्वामी तुलसी दास जी के द्वारा रचित धनुष भंग तथा वन पथ पर शीर्षक पाठ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। आपको व्याख्या रटना नहीं पड़ेगा यदि आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे और अपनी नोट्स बनाएंगे, तो 100% की गारंटी है आपको व्याख्या नहीं रटना पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में व्याख्या बैठ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा आपका समय ना लेते हुए यहां पर पढ़ लेते हैं गद्यांश को। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से पढ़िएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामण की अकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह गद्यांश है और गद्यांश पर आधारित यहां पर आप देखेंगे पहला प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यह प्रश्न आता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो दोनों तरीके का मैं आपको उत्तर बता दूंगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा।
सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी किसी गद्यांश का आप संदर्भ लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या या गद्यांश आधारित प्रश्नों का उत्तर करेंगे, तब आपको उसी गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना इस तरीके से। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये सब चीजें किस पेन से लिखना है, काले पेन से लिखना है। मैंने यहाँ पर लाल पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आप जो है जब भी लिखेंगे काले पेन का प्रयोग करेंगे, काले से आप हेडिंग डालेंगे। तो रोहतास दुर्ग मैंने लिख दिया के, फिर इसके बाद अंत था लास्ट के शब्द को लिख दिया। इसके बाद मैंने हेडिंग डाल दी है संदर्भ, और प्रश्न में पूछा गया था कि पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम क्या है, ममता शीर्षक पाठ है। पाठ का नाम क्या है, हेडिंग आपको डाल देना है पाठ का नाम, और पाठ का नाम क्या हो जाएगा, ममता। और लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी हैं। और यदि संदर्भ पूछता है तब आप संदर्भ कैसे लिखोगे, तो यहां पर आप ध्यान देंगे संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है। और इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखिएगा, सिंगल इन्वर्टेड कामा भी लगा दीजिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर के गद्य खंड, गद्यांश है इसलिए गद्य खंड का भाग है, पद्यांश होता तो वह पद्य खंड यानी काव्य खंड का भाग होता, तो गद्य खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिएगा। में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। अब यहां पर पाठ का नाम भी आपको किस पेन से लिखना है, काले पेन से ही लिखना है। तो ममता नामक कहानी से उद्धृत है या उत्तरित है, जिसके लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी हैं। तो लेखक का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। तो संदर्भ लिखने का बिल्कुल आसान तरीका है, और इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो आप सेम यही संदर्भ लिख दीजिएगा, संदर्भ नहीं बदलेगा। इस पाठ का कोई भी गद्यांश हो उसमें सेम यही संदर्भ आप लिख सकते हैं। बस ध्यान रहे, जो काले पेन से लिखा है वो आप काले पेन से लिखिएगा, और जो नीले पेन से लिखा है वो नीले पेन से लिखिएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है, जय शंकर प्रसाद जी हैं। चलिए अब मैं आपको बता दूं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी। तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस गद्यांश के अंतर्गत यहां से मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, ये रेखांकित अंश है। और इसके बाद यहां से है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहां अंत था। तो यहां पर आप ध्यान देंगे इस तरीके से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है। और व्याख्या में आपको करना क्या है, बस आपको विस्तार से लिख देना है, थोड़ा बढ़ा के लिख देना है व्याख्या में। यदि आप व्याख्या नहीं कर पाते हैं तो आप थोड़ा सा बढ़ा कर लिखें, शब्दों को विस्तार से लिखें। और जब आप प्रत्येक प्रकाशन की किताब देखेंगे या गाइड देखेंगे, उसमें अलग अलग तरीके से शब्दों का हेरफेर होगा, लेकिन आपको इसकी टेंशन नहीं करना है, क्योंकि जब आप बोर्ड परीक्षा में व्याख्या लिखोगे तो वो आप अपने मन से ही लिखोगे, सेम वैसी व्याख्या आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए आप अच्छे से समझें और अच्छी व्याख्या लिखें। तो यहाँ पर जय शंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता के मन में पीड़ाएं ही पीड़ाएं थी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो यहाँ पर क्या होगी व्याख्या, कि मस्तिष्क में या मस्तिष्क में संघर्ष का तूफान था, और आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी थी, उसके पास सांसारिक सुख के सब साधन थे, धन संपत्ति उत्तम वस्त्र स्वादिष्ट भोजन आदि, किसी वस्तु की उसे कमी ना थी, परंतु ये सब सुख साधन उसके लिए कांटों की सेज थी। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है गद्यांश के अंतर्गत कि आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी दुखी थी। तो ये सब जो थे, यानी ये जो सुख सुविधाएं थी, वह ममता के लिए क्या थी, कांटों की सेज के
समान थी, इनसे उसके दुखों में और वृद्धि हो रही थी। यानी इन सुखों से उसके दुखों में और ज्यादा वृद्धि हो रही थी। वह अत्यंत बेचैन थी, विकल यानी बेचैन थी, दुखी थी। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे गद्यांश में लिखा हुआ है, अगला यहाँ पर रेखांकित अंश है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराशय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो है व्याख्या क्या हो जाएगी रेखांकित अंश की, हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी होती है, संसार में उससे अधिक असहाय और अनाथ कोई जीव नहीं होता। ममता इसी प्रकार की एक बाल विधवा थी और इस कारण उसकी दुख भरी कल्पनाओं का कहीं अंत ना था। तो ये हो जाएगी व्याख्या। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है, कौन युवती किस दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी थी। तो जो इस तरीके का प्रश्न आएगा इसका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आप गद्यांश अच्छे से पढ़िएगा। तो यहां पर शुरुआत में ही लिखा है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता कहां पर बैठी थी, रोहतास दुर्ग। इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है कि रोहतास दुर्ग के विशाल प्रकोष्ठ में युवती ममता बैठी हुई थी। कौन बैठी हुई थी, युवती जो थी वह ममता थी। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा आप आसानी से कर लोगे। और मेरे प्यारे बच्चों आपसे मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आपने मित्रता शीर्षक पाठ का जो वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है मैंने आपको अभी अभी बताया था, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसे समय में और इस गद्यांश का मैंने संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या और जो गद्यांश आधारित प्रश्न है सब कुछ करा दिया है। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए और चैनल के साथ जुड़कर 2024 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें ताकि हमें भी आपसे काफी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे। जय हिंद।